हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल और सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक और नए ऑसम क्लैश ऑफ क्लैंस के एपिसोड में। और गाइस आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बस कुछ मिनट बचे हुए हैं बहुत सारे इवेंट्स खत्म होने में। 8 मिनट प्रिसाइसली मैं बात करूं तो यहाँ पे जो भी इवेंट्स हैं सेंटा और आइस विजिट्स फोर साल ब्रेक खत्म होने वाले हैं। और गाइस आज हम लोग क्या करेंगे, अब देखो क्रिसमस बीत गया है, न्यू ईयर आने वाला है तो अभी काइंड ऑफ ए फेस्टिव सीजन का माहौल है और आज हम सबको गिफ्ट देने वाले हैं। मीनवाइल जितने हम अटैक्स करेंगे ओपोनेंट को गिफ्ट देंगे, आपको क्या पता है आपको गिफ्ट देने वाले हैं, सेंटा गिफ्ट देने वाले हैं, तो मजा काफी आएगा। गाइस फटाफट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से हमने 7 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिया। अब नेक्स्ट एम 8 लाख का है तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लिए। चलिए, और एक सपोर्ट जो मैं आपसे हमेशा मांगता हूँ, मेरे को पता है आप हमेशा सपोर्ट करते भी हो, वो है क्रिएटर कोड अड्डा। कोई भी इन गेम परचेस करते हो, कोई भी सुपर सेल गेम खेलते हो, प्लीज एंड प्लीज गाइज शॉप में ADDA अड्डा कोड यूज करना मत भूले। अब देखो सबसे पहले थोड़ी दुख की बात बता दूं, क्लैन गेम्स के सारे रिवॉर्ड्स मैं ले नहीं पाऊंगा क्योंकि पॉइंट्स कर नहीं पाए हूं, तो दैट्स अनफॉर्चुनेट, बट कोई नहीं, चलिए फटाफट शुरू करेंगे। एंड यहां पे मेरे को, अरे यार ये सीसी क्यों नहीं देते क्लैन मेट्स, मेरे को पता नहीं, चलो कोई नहीं, मैं खुद से ले लूंगा एक पेक का फटाफट। उसके बाद हम जाके सबसे पहले अपने ओपोनेंट्स को गिफ्ट देंगे और ड्रिल ये है जो भी फर्स्ट बेस मिलेगा मैं उसी पर अटैक करूंगा, मैं ज्यादा सोचूंगा नहीं और ना ही मैं कोई बड़ा लूट वगैरह की तलाश में हूं। बाय द वे गाइस अभी मैंने एक अपग्रेड डाला यहां पे, आप देख सकते हो ये एक बैरक है और ये इन्फर्नो टावर मैंने अपग्रेड पर डाला है। बहुत सारे अपग्रेड्स कर रहे हैं हम इस अकाउंट में और बहुत जल्द हम इस अकाउंट को मैक्स भी करने की कोशिश करेंगे और आज बहुत सारे लेवल हीरो अपग्रेड करने वाले, तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना। चलिए बेस हमें मिल चुका है, ये बेस है, ये हमारी आर्मी है। सबसे पहले हमें इसको एक गिफ्ट देने वाले हैं, कॉर्नर इसके पूरे क्लियर है तो इस कॉर्नर पे इसको एक गिफ्ट देंगे। नाइस, ओ हो 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 हो, ओके सो गिफ्ट्स मिल गए हैं हमारे एनिमी को और यहाँ पे पांच टोटल बॉक्सेस हमने यहाँ पे एनिमी को दिया है। नाइस, ओके चलो अब यहाँ पे गोलम्स को ड्रॉप कर दिया हमने और यहाँ पे सारे सुपर विजर्ड्स, हमारा लॉग लॉन्चर एंड हमारे पास थोड़े वैल्क्रीज हैं, कोई नहीं वैल्क्रीज को भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उससे पहले हम अपने हीरोज को यूज़ करते हैं, किंग क्वीन एंड वार्डन एंड अपने वैल्क्रीज और थोड़े से सुपर विजर्ड्स। नाइस, बहुत सही जा रहा है हमारा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्रेज करेंगे, वार्डन एबिलिटी थोड़ी अर्ली पॉपअप करते हैं यहाँ पे। नाइस, सब कुछ बढ़िया जा रहा है गाइज, हमारा अटैक बहुत शानदार जा रहा है। यहाँ पे एक हील करेंगे और फ्रीज वगैरह मैं नहीं लाया हूँ, एक्चुअली मेरे को एक फ्रीज लाना चाहिए था, बहुत ही यूजफुल हो जाता अगर मैं फ्रीज लाता था वहाँ पे, बट चलो कोई नहीं, अब लाया नहीं है तो क्या कर सकता हूँ। चलो अभी सुपर विजर्ड्स जो हैं वो थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, कोई नहीं हमारे पास और थोड़े सुपर विजर्ड्स हैं, हम यहाँ पे थोड़े ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे मिनियंस को ड्रॉप करेंगे। आई हैव नो आइडिया कि मैं क्यों वहाँ पे मिनियंस लाया था, बट चलो कोई नहीं, लाया हूँ तो यूज़ करना था तो यूज़ कर लिया। ओके गाइस सो अटैक तो काफ़ी शानदार लग रहा है, अभी भी हमारे पास कुछ ट्रूप्स बचे हुए हैं। जायंट बम, ओ माई गॉड, यहाँ पे पेक्का है, गोलम्स हैं, क्वीन की हेल्थ थोड़ी बची है, यहाँ पे बहुत सारे सुपर विजर्ड्स हैं पीछे से, तो मे बी 3 स्टार हो जाए, मे बी ना हो, मेरे को नहीं पता क्या होगा। ये वाला विजर्ड टार निकलना चाहिए, क्वीन की हेल्थ बहुत कम है, कम ऑन क्वीन, यू कैन डू इट, ओ क्वीन ओपी क्वीन। ओके सो अभी भी हमारे पास सुपर विजर्ड्स हैं गाइज, वार्डन बचा हुआ है, पेका बचा हुआ है और आइस गोलम्स बचे हुए हैं, तो आई थिंक ये बेस हम 3 स्टार कर लेंगे। सो एक स्पेल हमने यहाँ पे स्वैग किया है जो कि हमारा सैंड स्पेल था जो हमने गिफ्ट दिया ओपोनेंट को, वैसे ओपोनेंट के पास कोई गिफ्ट नहीं है और मेरे को भी एक्चुअली कोई गिफ्ट नहीं मिला है, कॉर्नर में किसी ने भी सेंटर स्पेल ड्रॉप नहीं किया है मेरे बेस में, विच इज सो अनफॉर्चुनेट, बट कोई नहीं गाइज, एक बंदे को तो हमने यहाँ पे गिफ्ट दे दिया है। अब नेक्स्ट अटैक में आगे बढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जाके एक काम करते हैं, सबसे पहले अपने हीरोज को अपग्रेड करते हैं। क्वीन ये लो हैमर, तुम्हारे लिए मैंने हैमर सेव कर रखा था क्वीन, सो ये गया तुम्हारा रिवॉर्ड, ये तुम्हारा क्रिसमस गिफ्ट था क्वीन, ये तुम्हारा क्रिसमस गिफ्ट था, क्वीन को मैंने यहाँ पे हैमर कर दिया है। फटाफट जाऊंगा शॉप में एक और हैमर ऑफ हीरो परचेज करूंगा और यहाँ पे क्वीन को एक और हैमर हम यहाँ पे देंगे। सो ये गई क्वीन एक लेवल और, क्वीन हो गई है 58 की, विच इज सो गुड गाइज। और उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, ये आर्मी मैं फिर से ट्रेन करूंगा इसको यहाँ, एंड हम क्या करेंगे, एक तो सीसी रिक्वेस्ट करेंगे विच इज़ गुड, और वार्डन को अपग्रेड करना था, यस वार्डन बहुत दिनों से वेट कर रहा है मेरे लिए। ओके सो ये वार्डन को अपग्रेड में हमने डाल दिया और ये बुक से हमने यहाँ पे फिनिश कर लिया, इसको बूस्ट भी डाल देंगे। नाइस, सो वी आर ऑल सेट। किंग को थोड़ा टाइम लगेगा, स्पेल को थोड़ा टाइम लगेगा, तो सब कुछ मैं समेट के अभी आता हूँ।
सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज आज बात करेंगे थोड़ा सीओसी ब्लेज ऐप के बारे में। आपको पता है इकलौता एक सीओसी का ऐप है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। फाइन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं अपना अकाउंट लॉगिन करके रखा हूँ और यहाँ पे मेरा टाउन हॉल क्या है, कौन से क्लैन में हूँ, मेरा बीएच लेवल क्या है, मेरे ट्रॉफीज़ क्या हैं, बिल्डर बेस के ट्रॉफीज़ क्या हैं, सब कुछ यहाँ पे लिटरली आपको दिख रहे हैं। लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। होम मतलब विलेजेस मिल जाएंगे आपको, लिंक मिल जाएंगे, बेस लिंक्स, चाहे आप फार्मिंग लिंक्स बोलो या फिर वॉर बेस लिंक्स बोलो, सारे मिल जाएंगे। बिल्डर विलेज के भी आपको बेस लिंक्स मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरेस्टिंग है, और कुछ चीज़ें नए ऐड भी हुए हैं, जैसे लूट प्रिडिक्टर बहुत ही ऑसम एक मैं बोलूँ इनपुट है, जहाँ पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि किस वक्त कितना ज़्यादा लूट अवेलेबल रहता है, उस हिसाब से आप अपग्रेड कर सकते हो, स्टैट्स चेक कर सकते हो, बेसिस यहाँ पे देख सकते हो, उसी के साथ मीम्स वगैरह भी आप देख सकते हो गाइज। एंड आई बेट गाइज की बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे मीम्स भी हैं, आप सबमिट भी कर सकते हो, आप चाहो तो मीम सबमिट करो या फिर बेस सबमिट करो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐप है, मैं चाहूँगा कि आप डाउनलोड ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाकर डाउनलोड करें और यूज़ करें यार, मज़ेदार इंटरेस्टिंग ऐप है। ओके यार बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है ये, मतलब सच में एज ए यूट्यूबर मेरे को बहुत गुस्सा आता है अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए तो, और यहाँ पे यही हुआ है एक्चुअली। मेरे को कैमरा वहाँ पे जाकर रिकॉर्ड करना पड़ता है और यहाँ पे मैं रिकॉर्ड बटन दबाता हूँ ताकि गेम रिकॉर्ड हो, और गलती ये हो गई कि मैंने कैमरा तो दबाया था बट यहाँ पे बटन नहीं दबाया तो गेम रिकॉर्ड नहीं हुआ और कुछ ऐसा सीन हो गया। गाइज ये अटैक की हमने अभी थोड़ी देर पहले गिफ्ट दिए हमने अपने ओपोनेंट को, आप देख सकते हो ये बेस था, हमने यहाँ पे कॉर्नर पे गिफ्ट दिए, अटैक भी किया इस बेस पे बट मैं रिकॉर्ड बटन दबाना भूल गया, तो हुआ ये कि गेम प्ले रिकॉर्ड नहीं हुआ, सिर्फ मेरी वीडियो रिकॉर्ड हुई और मेरे को फिर से शूट करना पड़ रहा है। तो मेरे को जल्द से जल्द कैमरा चाहिए होगा यार, और जो कैमरा का प्लान मैंने बनाया है वो बहुत ही महंगा है और मेरे दिल में बहुत ज़ोर से लग रहा है, तो कोई नहीं कोशिश कर रहे हैं, हो सके तो जल्द से जल्द हो जाए, 2021 हमारे लिए बहुत सही हो। फिर भी मैं बताना चाहूँगा गाइस कैमरे का जो बजट है वो ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए है, मतलब आप सोच सकते हो कितना महंगा कैमरा है। सो बट कोई नहीं, हमारे पास टाइम है, हम बाद में देख लेंगे, अभी तो फिलहाल गाइस ये अटैक देखो, पहले हमने गिफ्ट दिए यहाँ पे, यस गिफ्ट्स हमने यहाँ पे दे दिया ओपोनेंट को, और उसके बाद हमने यहाँ पे ये कुछ किया, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने किया क्या एग्जैक्टली। सो दो कॉर्नर्स हमने क्लियर किए, सेंटर में यहाँ पे हमने अपना लॉग लॉन्चर, अपने विजर्ड्स पिक का वगैरह ड्रॉप कर दिया, और आपको पता है ऐसे कंपार्टमेंट बेस में ये अटैक्स जो है वो काफ़ी बेकार होते हैं क्योंकि जो कंपार्टमेंट्स हैं उनका एक्सेस मिलना नामुमकिन हो जाता है और आपके ट्रूप्स जो है वो वॉल में फंस जाते हैं और मर जाते हैं बेमौत, वो भी मेरे को पता है। तो बट यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते थे हम लोग, किया यहाँ पे जो भी था भाई यही था भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। एंड मेरे विजर्ड्स पिक का सारे मर गए इन्फर्नोटार के चपेट में आके, और बट चलो ठीक है ठीक है, इतना बुरा नहीं किया हमने। एंड अभी भी हमारे पास एक लास्ट मौका बचा हुआ है, एक लास्ट मौका हमारे पास ये बचा हुआ है क्योंकि हमारे पास एक फाइनल सेंटर स्पेल है, यो हो सो एक फाइनल हमारे पास सेंटर स्पेल है, और ये सेंटर स्पेल ओके मेरा सेंटर स्पेल क्या गया, ओ मेरा सेंटर स्पेल, ओ नो मैंने एक सेंटर स्पेल ट्रेन करके रखा था बैक साइड पे, ये गलत सीन है भाई, ये गलत सीन है यार, जो मेरा लास्ट सेंटर स्पेल था वो ऑटोमेटिक गायब हो गया क्योंकि मैंने इसको ट्रेन करके रखा था, तो मेरे को लगा था कि मेरे को मिल जाएगा बट ऐसा नहीं है गाइस, मेरा लास्ट सेंटर स्पेल जो है वो अनफॉर्चुनेटली गायब हो गया है। मैंने क्लैन गेम्स के रिवॉर्ड्स भी लिए थे वीडियो में, अब हम क्या करें, बहुत बहुत ही ज़्यादा दुख है, इस चीज़ का गम हमारे सीने में है कि भाई लास्ट सेंटर स्पेल हम यूज़ नहीं कर पाए, दो मैंने ट्रेन कर लिया था, मेरे को लगा था कि रह जाएगा वो बट ऐसा नहीं है, बट कोई बात नहीं गाइस, फटाफट एक अटैक तो हम करेंगे करेंगे रैप अप करने से पहले, एंड लेट्स सी हम लोग कुछ खास कर पाए तो अच्छा है। ओके सो सेंटर स्पेल तो चला गया है बट फिर भी जैसे मैंने कहा कि लास्ट एक ट्राई हम ज़रूर मारेंगे, और उसके बाद शायद से कुछ अपग्रेड करने लायक है हमारे पास रिसोर्स, आई थिंक सो, चलते हैं देखते हैं कौन सा बेस हमें सही मिलता है। और क्योंकि आज हमने दोनों अटैक्स में फर्स्ट बेस पर अटैक किया है, नहीं 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 ये गलत मैं बोलूँगा, क्योंकि सेकंड अटैक जो था वो मैंने ट्राई लिया था क्योंकि टाउन हॉल 13 मिल गया था वो भी मैक्स, फाइन यहाँ पे ये वाला बेस जो है वो काफ़ी सही है, लूट भी काफ़ी है, तो चलिए इस बेस पर अटैक करते हैं, कहाँ से करूँ यही सोच रहा हूँ, इस साइड से करेंगे, चलो यहाँ पे एक गोलम दो और यहाँ पे एक और गोलम तीन, चलो यहाँ पे सुपरविजर्स को ड्रॉप करेंगे, लॉग लॉन्च ओके फाइन, किंग क्वीन वार्डन, क्वीन को अभी हमने फिलहाल दो लेवल अपग्रेड किया है वो भी इसी वीडियो पे, सो क्वीन तो थोड़ी पावरफुल हो चुकी है, हमारे थोड़े वैल्क्रीज हैं हमारे पास तो इन वैल्क्रीज को हम यहाँ पे सेंड करेंगे, तो हमने बहुत सारे यहाँ पे सुपर विजर्ड्स को भी यूज़ कर लिया, थोड़े से सुपर विजर्ड्स हमने यहाँ पे संभाल के रखे हुए हैं, बाद में यूज़ करेंगे हम, फ्रीज करेंगे इस चीज़ को, रेज करेंगे यहाँ पे, वार्डन एबिलिटी यहाँ पे पॉपअप करेंगे, आई थिंक कि मैंने वार्डन एबिलिटी सही पॉपअप करी है शायद से, आई डोंट नो, ओके यहाँ पे इस चीज़ को इनविजिबल करेंगे, नाइस ओके अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है, वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत मेरे को दिख नहीं रहा है अटैक पे, यहाँ पे इस चीज़ को हम फ्रीज़ करेंगे, बढ़िया बढ़िया, अभी भी हमारे पास सुपर विजर्ड्स हैं, दो तीन यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, यहाँ पे रेज करते हैं, क्वीन की एबिलिटी यूज़ करते हैं और क्वीन को एक बारी इनविजिबल भी करेंगे, एक बारी क्वीन को वापस आने देते हैं,
ओके नाइस. तो ओके चलो, सो क्वीन को हमने इनविजिबल कर दिया. क्वीन दो तीन डिफेंस तो निकाल ही लेगी. हील करेंगे हम. ओह मैं क्वीन को हील कर सकता हूँ. नाइस ओके फाइन. ओके पिक का हमारा मरने वाला है. मरने वाला नहीं है, मर चुका है. एक और हील करते हैं क्वीन को. क्वीन की हमने अच्छी खासी हेल्थ वापसी करा दी है. दो सुपरविजिट्स हमारे पास बचे हुए हैं यहाँ पे. ओ भाई ये सारे तो वॉल दौड़ने में बिजी हैं. मिनियंस है हमारे पास कुछ, तो यहाँ पे मिनियंस और एक सुपरविजिट्स हमारे पास. ओके यार मर गया, चलो कोई नहीं. ओके सो थ्री स्टार है यार, थ्री स्टार है. ये अटैक काफ़ी सही गया और उसी के साथ हमने काफ़ी सारा लूट भी गेन किया. थोड़ा वेट कर रहे हैं जैसे गोलम इस साइड आ जाएगा. अरे क्वीन को इतनी जल्दी क्या थी, गोलम तो आ ही रहा था ना. अरे क्वीन आके मर गई, चलो कोई नहीं. ओके फाइन, यहाँ पे लास्ट सुपरविजर्ड और उसी के साथ ये बेस हमने इजी इजी बहुत ही आराम से यहाँ पे हमने थ्री स्टार कर लिया. मतलब लाइटनिंग हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया, बट यहाँ पे हमने यूज़ किया रेज और फ्रीज वगैरह सब यूज़ करके भी इजीली कर लिया. तो सही है, इसको और ट्राई करेंगे आने वाले टाइम पे. बट गाइज आज के लिए इतना ही. ओके एक काम तो करना भूल गया मैं, लास्ट जो मेरा बिल्डर बचा हुआ है इससे मैं क्या करूँ. बैरक्स, एक बैरक हो रहा है तो दो बैरक मैं डालूंगा नहीं. हिडन टेस्ला, ओके टोनेडो ट्रैप सही रहेगा. टोनेडो ट्रैप बिल्कुल सही रहेगा, तो इसको हम अपग्रेड पे डाल देते हैं. और हमारे बिल्डर्स जो है वो अच्छे खासे टाइम के लिए बिजी होने वाले हैं. और यहाँ पे मैंने एक बूस्ट भी डाल दिया विच इज़ ऑसम. मैजिक आइटम्स के बारे में बात करें गाइस, तो अभी भी मेरे पास अच्छे खासे मैजिक आइटम्स हैं. आने वाले टाइम पे हम यूज़ करेंगे. मेरा ऑलमोस्ट यहाँ पे जो सीजन चैलेंज है वो भी खत्म होने वाला है, आज या फिर कल तक मैं खत्म कर लूंगा. तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी. अगर लगी है तो लाइक करें, चैनल में फर्स्ट टाइम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें गाइज, और प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस को जाकर देखें. मैं मिलूंगा तब तक नेक्स्ट वीडियो में. चलन एज ऑलवेज गाइज, जय हिंद बाय.